आ गई मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। पहले मैंने मॉर्निंग बोला मैम। था, मैम पहले मैं हमने बोला था। हाँ शब्दी नहीं बोली मैम, मैंने, मैंने पहले बोला था गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बस गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। मॉर्निंग मैम। कल हमने, मैम हाँ बोलो मैम नवनीत। मैम, जो आज टेस्ट होगा मैम, वो व्हाट्सएप पे आएगा क्या पेपर उसका? वो बता दिया जाएगा आपको, मैसेज डल जाएगा, व्हाट्सएप पे आएगा पेपर। कर हाँ मैम, जो मुझ पे सकते नहीं हैं ना आएगा। चीटिंग? मैम चीटिंग कर सकते हैं ना? मैम हल्की बहुत। कुछ नहीं करना, ईमानदारी से करना, और देखना है कि मेरे को कितना आता है, ठीक है? मैम मैम चिंता मत करो, आपके पेपर में चीटिंग नहीं करेंगे। यस मैम। और बाकी पेपर में मैम देखेंगे मैम उनमें। उनका पता नहीं, उनका देखेंगे, पहले पेपर देखेंगे आता है या नहीं आता। आता है तो कर लेंगे, और नहीं आता तो फिर बना के लिख देंगे, नवे बना म्यूट के लिख करो, देंगे म्यूट मैम। करो, म्यूट करो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे मैम मोशंस, सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। क्या हुआ? मैम सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। हाँ कोई बात नहीं, ऐड हो जाएंगे अभी। देखो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? मोशंस के बारे में। और मोशंस में हमने देखा था, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो हमने देख ली थी। उसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। आज की क्लास में हमारा जो मेन टारगेट है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड तो आई थिंक आप सब लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। लेकिन स्पीड के साथ अगर हमें वेलोसिटी पूछ ले, ठीक है, तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? तो स्पीड का मीन्स तो आप जानते हो गति, ठीक है। ओनली हम इसको डिस्टेंस को ही क्या करते हैं, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड को ही क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन बात अगर वेलोसिटी की आ जाए, तो वेलोसिटी की बात आ जाए तो इसके अंदर हमें डायरेक्शंस को भी क्या करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले जो टॉपिक किया था उसमें देखा था कि उसमें भी हमने डायरेक्शंस को इन्वॉल्व किया था, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड पे चलते हैं सबसे पहले कि इट गिव एन आइडिया ऑन द हाउ स्लो और फास्ट दैट द बॉडी इज मूविंग। स्पीड का मीन्स होता है गति, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं यहाँ पे, और मैं क्या कर रही हूँ, ये गति कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं जो गति कर रही हूँ वो स्लो मोशंस में कर रही हूँ या फास्टली कर रही हूँ। देखो गति करने के दो तरीके हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो मोशन से गति कर रहा है या फास्टली मोशन, फास्ट ठीक है। जैसे ये वाली गति मेरी फास्ट है, इसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर इसी गति को मैं बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे चलूं तो इसी डिस्टेंस में क्या हो सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है। और कल मैंने एक एग्जांपल लेके भी बताया था आप लोगों को कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए है, बी है, इस ऑब्जेक्ट को ए बिंदु तक आना है, ठीक है। तो एक तो रास्ता इधर से है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम है ना तीनों के लिए, तीनों के लिए डिस्टेंस तो सेम है कि यहाँ से यहाँ इसको डिस्टेंस कवर करनी है। ओनली इनका जो पाथ है या ऑब्जेक्ट की जो मोशंस है उनमें ही क्या है, डिफरेंट है कि इसको कम टाइम लगेगा, तो इसको इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसको इससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें ओनली डिस्टेंस को माइंड में रखना है कि हमारे पास गिवन डिस्टेंस कितनी है और गिवन टाइम कितना है। जबकि वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में हम कल की तरह डायरेक्शंस को भी इन्वॉल्व करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके इनिशियल पॉइंट पोजीशन पे ही है, फाइनल पोजीशन पे भी आया है, या फिर इनिशियल से वापिस इनिशियल पे जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पीड को देखते हैं। तो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड दो प्रकार से होती है, या तो स्लो मोशन में या फास्ट मोशन में। तो हम बोलते हैं कि स्पीड ऑफ द बॉडी
इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि पर टाइम में उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की है। टाइम के रेस्पेंस में उसमें तो देखते हैं हम डिस्टेंस को, हम बोलते हैं कि इसने इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर की। और इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वही रेफरेंस पॉइंट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह से अपनी मूविंग चालू कर रहा है, अपनी गति स्टार्ट कर रहा है और कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन हुई कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम, कि हम जब भी किसी बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो टाइम की रेस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की। इसके बाद में बात करती हूँ फॉर्मूला। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल पूछेंगे इस चैप्टर में, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करके उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं बात करती हूँ स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमें टाइम की रेस्पेक्ट में और डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं स्पीड की, हमारे पास डिस्टेंस इतना है टाइम इतना है तो हम आराम से क्या कैलकुलेट कर लेंगे स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और उसका पर यूनिट टाइम। तो ये क्या है हमारा स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या है स्पीड, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है टाइम। तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है SI यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति हावर्स। तो हम बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति हावर, यस, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, या तो मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति हावर्स। अगर हमारे पास मान मीटर में हो, ठीक है, तो उसके साथ जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड में। अगर हमारे पास मान मीटर में, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ बड़ा ही तो मान रखेंगे, ऐसा तो नहीं कि किलोमीटर के साथ हमने सेकेंड दे दी तो फिर तो वो वैल्यू अलग चली जाएगी। तो किलोमीटर मीटर से बड़ा है तो इसके साथ जो टाइम आएगा वो भी बड़ा आएगा। ठीक है, तो किलोमीटर को हावर्स में और मीटर को हम सेकेंड में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैम मीटर को मिनट में नहीं करते क्या, मिनट में नहीं करते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है स्पीड की वो हमेशा या तो सेकंड में आएगी या फिर हावर्स में आएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो स्पीड की यूनिट होती है वो या तो मिनट में आएगी, सॉरी इसमें आएगी, सेकंड में आएगी या फिर हावर्स में आएगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल बात करती हूँ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मीन्स कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कार भी हो सकती है, हम इंसान भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का मीन्स। ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, वो भी कितने टाइम में, 5 आवर्स में। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 100 किलोमीटर है डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, कितने टाइम में कंप्लीट करता है उसको, 5 आवर्स में। और वी नो डेट हम जानते हैं कि स्पीड बराबर ही क्या होता है, डिस्टेंस जो हमारे पास है, क्या होता है, टाइम जो हमारे पास है, इसके साथ यूनिट भी दे रखी है किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड बराबर इसका सॉल्यूशन करते हैं,
तो स्पीड बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस कितनी है? गिवन डिस्टेंस बराबर, गिवन डिस्टेंस बराबर 100 किलोमीटर। ओके, टाइम टेकन बराबर कितना है? 5 आवर्स। और जब तक मुझे पता है आप 9th क्लास में हो, आपको फॉर्मूले में मान तो रखना आता ही होगा। तो डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो कितना होगा? 20 किलोमीटर। तो हमने ये देखा कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो प्रति आवर्स 1 घंटे में यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी क्या करता है? कवर करता है। समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की प्रति 1 घंटे में, ये तो 5 घंटे की वैल्यू थी हमारे पास, लेकिन हमें पर घंटे की कैलकुलेट करना है। तो हमें पता चल गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रति हावर्स कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। इसके साथ ही ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमेशा हमेशा जो यूनिट है किलोमीटर प्रति हावर्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए स्पीड के, एवरेज स्पीड के, या मैं बात करूं वेलोसिटी के, या एवरेज स्पीड में भी वेलोसिटी के, तो हमेशा याद रखना अगर आप लोगों ने यूनिट नहीं लगाई तो आपकी ये पूरी वैल्यू क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि इन क्वेश्चनों में हम क्या देखते हैं? अधिकतर ये वैल्यू देखते हैं। इस वैल्यू का तो इतना कोई, ये तो पॉइंटों में भी आप भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोगों ने यूनिट नहीं लगाई तो इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर हमें यूनिट नहीं लगा रखी सो इसके, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट किलोमीटर में चल रहा है या मीटर में चल रहा है, हावर्स में चल रहा है या सेकंड में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है या किस में चल रहा है। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्पीड या एवरेज स्पीड के जो भी न्यूमेरिकल आए उनको हमेशा आप इन यूनिट्स में ही क्या करना है? कैलकुलेट करना है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? स्पीड समझ में आ गई पूरी ऐसे किसे? ठीक है, देख लो स्पीड का मीन्स होता है कि स्पीड हम जो करते हैं, गति करते हैं, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है कि हम फास्टली कर रहे हैं स्लो। ठीक है, और हमेशा स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस और टाइम का पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस हमने कवर की, और उसकी जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति हावर्स। चलो हमने किलोमीटर प्रति हावर्स का तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं आपको दू सेकंड क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है जो बिंदु ए से बिंदु तक की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना है इसका? 20 सेकंड। तो कैलकुलेट द स्पीड। तो जिस प्रकार से हमने किलोमीटर प्रति हावर्स में कैलकुलेट किया वैसे ही मीटर प्रति सेकंड, ओनली यूनिट ही तो चेंज करना है। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितनी है इस ऑब्जेक्ट की? 100 मीटर किलोमीटर। टाइम कितना है? किलोमीटर कहाँ से आया रोहन, इसमें तो ओनली मीटर में दिया है। 20 सेकंड। कितना हुआ? 5 मीटर प्रति सेकंड। यस, टेस्ट 90 बोलो। मैम वेलोसिटी वापस समझाओ। हाँ, ये समझ में आ गया ना स्पीड का? यस मैम। और हमेशा ध्यान रखना स्पीड में ओनली हम स्केलर क्वांटिटी को ही इंक्लूड करते हैं, और स्केलर क्वांटिटी में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि उसमें ओनली उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को करेंगे, उसमें उसका मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
तो ये था हमेशा no, तो बोला था कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ मैम आपने तो बोला था मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व्ड है डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड नहीं है कल मैंने क्या बताया था डिस्टेंस में क्या होता है डिस्टेंस किस पे डिपेंड होती है पाथ डिपेंडेड ठीक है जबकि हम बात करें किसकी डायरेक्शंस की वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है तो हमेशा ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी में ओनली हम किसको इंक्लूड करते हैं सॉरी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करते डायरेक्शंस में हम किसको इन्वॉल्व करेंगे अभी जो वेलोसिटी पढ़ेंगे उसमें हम डायरेक्शंस को भी क्या करेंगे इन्वॉल्व करेंगे ठीक है सॉरी इसमें ओनली स्केलर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड को इन्वॉल्व करते हैं इसमें डायरेक्शंस को इन्वॉल्व नहीं करते ओके मैम मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट ये ए है ये बी है ठीक है इसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर कल मैंने पढ़ाया था कि ये इसका क्या होता है इनिशियल पॉइंट दैट मीन स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या होता है इसका फाइनल पॉइंट एक तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आए ओनली ठीक है ये तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है लेकिन हमेशा हमेशा ध्यान रखना जब भी हम डायरेक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच क्या हुआ तो इन दोनों का माइनस करते हैं जब मैं आपको वेलोसिटी समझाऊंगी अभी ठीक है तब समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम इसमें तो दोनों डायरेक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं ओनली और डिस्टेंस में हमने ओनली ये देखा जब भी अगर मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट बताऊंगी ठीक है कल बताया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है अभी जो वेलोसिटी आएगी वो भी कल जो टॉपिक पढ़ा था उस पे बेस पे ही है ठीक है तो पहले ये स्पीड बता दो समझ में आ गया ना श्वेता यस मैम ओके अब चलते हैं वेलोसिटी पे देखो आप पूछ रहे थे मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी लेंथ उसकी साइज या उसका हम बोल सकते हैं कि किस उस ऑब्जेक्ट का हम मास भी देखेंगे उसकी लेंथ भी देखेंगे जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट में बात की थी तो डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं ओनली उसका फोर्स कि उसने कितने न्यूटन से फोर्स लगाया है ठीक है तो बात करते हैं वेलोसिटी की वेलोसिटी वेग भी बोलते हैं हम इसको वेलोसिटी का मींस वेग भी होता है ठीक है तो स्पीड डज नॉट गिव इन द आइडिया ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस स्पीड में क्या हमने डायरेक्शन देखी है क्या नहीं क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ओनली हमने इसमें क्या देखी है डिस्टेंस ओनली हमने स्पीड में डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है तो यही तो है अपनी फर्स्ट लाइन कि स्पीड डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ मोशन कि स्पीड के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट के मोशंस का पता नहीं चलता कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें तो ये पता है कि कितनी डिस्टेंस है इतना टाइम है तो हम तो स्पीड कैलकुलेट करके बता दें हमें क्या पता है कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे कि ये कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जा रहा है तभी तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे इसमें तो हमें ओनली डिस्टेंस और टाइम से मतलब था और इसमें हमें डायरेक्शन से भी मतलब है ठीक है इसमें हमने नहीं देखा था कि ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है ओनली हमें तो ये पता था तो हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली ठीक है अब देखो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम गिवन द डायरेक्शन इसमें हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा था टाइम के रेस्पेक्ट में देखा था जबकि मैं बात करूं वेलोसिटी की तो वेलोसिटी हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं इसकी जो डायरेक्शंस होती है उसकी रेस्पेक्ट में भी हम देखते हैं तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम लेकिन डिस्टेंस के अंदर हमें किसको इन्वॉल्व करना है डायरेक्शंस को भी ठीक है या हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ही बोल दो डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। और कल आप लोगों को मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है, उसकी इनिशियल पोजीशन से लेके उसकी फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्प्लेसमेंट था वही क्या है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीन्स होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस या नो, कर सकते हैं ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीन्स ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। राइट, यहां तक समझ में आ गए सबको, यस या नो? श्वेता क्या yes, बात है? नवे, रोहन, यस मैम, यस मैम। और वही क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, समझ में आ गया। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट वही क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, या बात करें किलोमीटर प्रति हावर्स। अभी जब न्यूमेरिकल करोगे तब समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस A car travel a distance of 100 kilometer in 5 hours. To calculate the speed. तो हम बात करते हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार। तो सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। कितनी हुई कि स्पीड बराबर क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, वही 100 किलोमीटर, कितने आवर्स में, 5 आवर्स में, 50 किलो, सॉरी 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन इसी बेस पे अगर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाए, कैसे, इसमें तो ओनली हमने क्या कैलकुलेट करवाया है, ओनली स्पीड, लेकिन वेलोसिटी भी अगर कैलकुलेट करवाया आप लोगों से और आपका क्वेश्चन आए ध्यान देना इधर कि एक बॉय या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाउस से जब शॉप पे जाता है, ठीक है, किसी दुकान पे जाता है, अपने घर से जब दुकान पे जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 100 किलोमीटर पे जाता है वो, 100 किलोमीटर है, ठीक है, या मीटर मान लो आप लोग, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और कितना टाइम लेता है, 5 सेकंड। तो इसके अंदर हमें स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो स्पीड तो आप आराम से या कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होती है वही 100 मीटर अपॉन 5 सेकंड, कितना हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर बात किसकी आए, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का जो हाउस है वो इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट।
जबकि सोप इसकी क्या है फाइनल पोजीशन, क्योंकि वो ओनली इसमें ये बोल रहा है कि वो हाउस से सोप पे जा रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि सोप से वापस हाउस भी आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ओनली ये एरो ये बता रहा है, अगर मैं ये एरो ये भी लगाती इसके साथ तो ये बोलता कि इसने ये किसके साथ ये डिस्टेंस भी क्या की है कवर की है। तो ओनली इस क्वेश्चन से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये जो बॉय है वो हाउस से कहां जा रहा है सोप पे, और 100 मीटर कितनी टाइम में डिस्टेंस कवर करता है, ओनली 5 सेकंड में। तो ये सोप इसका क्या हुई फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन मैम 5 सेकंड में कोई 100 मीटर कैसे कर सकता है? मैम एरोप्लेन से जाता होगा। कितनी होती है 90 मीटर है? मैम 5 सेकंड में कौन करेगा? 100 मीटर मैं भाग के जाएगा, चला जाए, इतनी होती है तो 5 सेकंड में नहीं कर पाएगा वो। यस मैम बहुत जी, नब्बे कुछ पता ही नहीं है। अगर मीटर में है तो वैल्यू भी सेकंड में, मैंने क्या बोला था? मैम 100 मीटर बहुत होती है। क्या हुआ? मैम 100 मीटर बहुत होती है, मैम चल के देखो पहले। किलोमीटर मैंने किलोमीटर नहीं बताया, 90 मीटर बोले। 100 मीटर बहुत होता है। 100 मीटर कितना होता है ये बता मेरे को। मैम हम रेस पे जाते हैं ना 100 मीटर रेस, 200 मैम दूर तो होता है ना? तो मैम दूर तो होता ही है ना। मैम 1 मीटर तो बताओ मैम कितना लंबा होता है? मैम 100 मानो कितना लंबा होगा? 100 मान ले, तेरे तेरे गेट के पास आ जा तू, तेरे रूम का जो गेट है ना उतना ही मान ले, इतना ही होता है बस। क्या? यस यस 100 मीटर। हाँ 100 मीटर। ये बता तू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 तो सोच तू, 100 ही बोला है मैंने। हाँ तो मैम 100 5 सेकंड में कैसे करेगा वो? मैम आप करके देखो, 100 मीटर ऐसे थोड़ा होते हैं। यस मैम आप सही है, ये मान ले। ठीक है, यस मैम 100 मीटर 20 सेकंड में करता है वो। ठीक है, यस मैम। मैम मिल्खा सिंह था, थोड़ी है कंफ्यूजन, छोटी सी चीज। नो मैम, ये मान ले चल 100 मीटर 20 सेकंड में की देने, तेरी स्पीड कम है ये मान। तो अभी मैंने क्या बोला था फर्स्ट लाइन कि वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है कि वो स्लो मोशन कर रहा है या फास्टली कर रहा है। अब तू स्लो करेगा तो तू तेरे अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, ओनली हमने वो पैदल चल रहा था। यस नवे, देखो हमारा चल रहा था वेलोसिटी, हमने डिस्टेंस कवर कर ली। देख लो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और पता है कि इसकी जो इनिशियल पॉइंट है वो इसका हाउस है, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, इसका सोफ है। ठीक है, तो वो ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच इसका गैप कितना है, टाइम कितना है 100 मीटर, और टाइम कितना है वही 20 सेकंड। और आप बोलोगे कि मैम आपने डायरेक्शंस को कहाँ इंक्लूड किया? मैंने किया है इसमें डायरेक्शंस को इंक्लूड, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक ही तो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी कि इसने, अगर ये फॉरवर्ड होता वापिस से आता तो ये जो मान आता वो 0 आता, वो कैसे आएगा? देखो इसमें हमने डायरेक्शंस को भी इंक्लूड किया है, वो कैसे? डायरेक्शंस यहाँ से ओनली यहाँ तक जा रहा है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है 100 मीटर। मीटर क्योंकि इसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों क्या है 100 मीटर, और टाइम कितना है 20 सेकंड। तो कितना हुआ वही 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमें पता चल गई कि ओनली ये बॉय हाउस से इस दिशा में जा रहा है, दैट मींस इस ईस्ट दिशा में जा रहा है। ये वापस थोड़ी आ रहा है क्योंकि इस एरो से हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल आपको ऐसे दे दूं, ध्यान से समझना,
अगर आपको मैं एग्जांपल दे दूं कि ये जो बॉय है वो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा भी रहा है और आ भी रहा है, ठीक है, समझना कि पहले में मैंने ये बोला था ओनली वो हाउस से शॉप पे जा रहा है, लेकिन ये बॉय ए है वो हाउस से शॉप पे जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो इसमें हम डायरेक्शंस को भी इंक्लूड करेंगे, तो जाने की भी क्या हुई वही 100 मीटर कितने टाइम में 20 सेकंड में, तो आने की भी तो वही होगी कि 100 मीटर 20 सेकंड। अब ध्यान देना इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले स्पीड, अगर स्पीड हमें पता है तो स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आने और जाने की दोनों की डिस्टेंस और दोनों के टाइम को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड कितना हुआ 200 मीटर अपॉन 40 सेकंड, तो कितना होगा 5 मीटर प्रति 50 ना 5 प्रति सेकंड, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है और आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं मैम ये क्यों लगाते हो, ये बताओ कि ये क्यों लगाते हैं मेरो, क्योंकि जब भी हम डायरेक्शंस को इंक्लूड करें, डायरेक्शंस को इंक्लूड करें तो इस एरो का निशान लगाते हैं, चाहे वेलोसिटी याद करो उसकी, ऑब्जेक्ट की उसकी एवरेज स्पीड की वेलोसिटी याद करो, तो हमेशा इस पे ये वाला निशान हम लोग लगाते हैं क्योंकि डायरेक्शंस को इंक्लूड करता है। अब बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान देना, ये बॉय हाउस से कहां जा रहा है, शॉप पे, कितने टाइम में 100 मीटर है 100 सेकंड टाइम 20 सेकंड में, लेकिन ये वापस भी तो आ रहा है ना इसमें, दैट मींस यही तो देखना होता है हमें कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो डायरेक्शन है वो क्या हुई, तो डिस्प्लेसमेंट का मींस होता है पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, फाइनल पोजीशन पे कितना था इसका वही 100 और इनिशियल पोजीशन पे भी कितना हुआ इसका वही 100, क्योंकि इसमें तो हमने ओनली ये वाला देखा था, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड थोड़ी हो रहा था, इसमें तो जा भी आ रहा है आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो 100 माइनस 100 अपॉन 40 सेकंड, ठीक है, कितना होगा 0.40 सेकंड, अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैम आप दिख रही नहीं हो, क्या हुआ मैम आप दिख रही नहीं हो, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो नेटवर्क के इशू की वजह से हो रहा है, बोर्ड भी नहीं दिख रहा मैम आप दिख रहे हो, हाँ तो देखो मैंने ये बताया है कि अगर वो बॉय अपने हाउस से शॉप पे जाता है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर वो शॉप से वापस हाउस पे भी आता अपने घर पे आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मींस होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, फाइनल पोजीशन इसमें कितना था बॉय 100, इनिशियल कितना है 100, 100 में से 100 गया तो कितना हुआ 0, टाइम कितना है 40 सेकंड, 40 सेकंड को हम 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, तो हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी 0, समझ में आ गया आपने, यस मैम, श्वेता, यस मैम, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, अभी तो 5 मिनट है, मैं नहीं चाहती इस टॉपिक में कोई डाउट रहे, क्योंकि एवरेज स्पीड भी इसी की तरह है, उसमें डबल मार्क्स, यस यस पूछो,
मैम इस वेलोसिटी में मैम डायरेक्शन का है, क्या हुआ वेलोसिटी को क्या पूछ रहे हो श्वेता? वेलोसिटी को क्या श्वेता कुछ पूछ रहे थे आप मैम? यस नवी बोलो मैम, आज सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही आए हैं। श्वेता क्या पूछ